डॉक्टर मानप्रीत, आईसीएल क्या है? आईसीएल की फुल फॉर्म है इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस, यानी कि एक ऐसा लेंस जो कॉलमर मटेरियल का बना हुआ है और आंख के अंदर परमानेंटली इम्प्लांट कर दिया जाता है ताकि पेशेंट को जो चश्मे का नंबर है वो उतर सके। इसको हम लोग बोलते हैं आईसीएल। डॉक्टर मानप्रीत, कॉलमर का क्या मतलब है? कॉलमर का मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल जो टोटली इनर्ट है ताकि लेंस जब आंख के अंदर परमानेंटली फिट हो तो ये मटेरियल किसी तरह की एलर्जी या इन्फेक्शन ना करे। तो दोस्तों, ये जो मटेरियल है ये सारी उम्र के लिए इनर्ट रहता है और किसी तरह के रिएक्शन के चांसेस नहीं होते इस मटेरियल। डॉक्टर मानप्रीत, आईसीएल कौन करवा सकता है? आईसीएल नॉर्मली हर पेशेंट के लिए पॉसिबल है जो अपना चश्मा उतरवाना चाहता है, बट क्योंकि वो पेशेंट जिसमें कॉर्निया की हेल्थ अच्छी होती है उनमें हम लोग लेसिक लेज़र के लिए चले जाते हैं, तो आईसीएल नॉर्मली हम यूज़ करते हैं मॉडरेट टू हाई डिग्री ऑफ मायोपिया, जिसमें लेसिक लेज़र अगर हम करेंगे तो कॉर्निया को हम बहुत थिनिंग कर देंगे जो हम करना नहीं चाहेंगे, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग नॉर्मली ICL रिकमेंड करते हैं। ICL में हमें कॉर्निया को नहीं छेड़ना होता, ये एक स्पेशल तरह का लेंस होता है जिसमें हम लोग कुछ ही चश्मे का नंबर इनकॉर्पोरेट करके आँख के अंदर परमानेंटली फिट कर देते हैं। मुख्य रूप से जो ICL है वो उन लोगों में प्रेफर किया जाता है जिनका आँख का नंबर लेसिक लेज़र के लिए बहुत ज़्यादा है या उनकी जो कॉर्निया की थिकनेस है वो मैच नहीं करती उनके चश्मे के नंबर से, तो उन पेशेंट्स में लेसिक लेज़र करना मुश्किल है, तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स को आईसीएल एडवाइस करते हैं। डॉक्टर मानप्रीत, लेसिक लेज़र और आईसीएल में क्या अंतर है? लेसिक जो है वो कॉर्निया की हेल्थ और थिकनेस पे डिपेंड करता है और जिन पेशेंट्स की कॉर्नियल थिकनेस सफिशिएंट नहीं होती उनमें हम लेसिक लेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि लेसिक लेज़र कॉर्निया को और पतला कर देगा जो हम ऐसे पेशेंट्स में नहीं करना चाहते जिनका कॉर्निया ऑलरेडी पतला है। आईसीएल जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉर्निया है, यानी कि कॉर्निया की शेप या बनावट कैसी भी हो हर पेशेंट में आईसीएल यूज़ किया जा सकता है और आईसीएल में हम किसी भी तरह का नंबर और कितना भी बड़ा नंबर उतार सकते हैं। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि आईसीएल जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसीजर है, जिसका मतलब ये है कि दोस्तों जब हमारी आँख में कभी कैटरेक्ट आ जाए या किसी भी वजह से हमें कुछ सालों बाद आईसीएल रिमूव भी करना पड़े तो हम वो आईसीएल रिमूव कर सकते हैं, मगर आँख की जो ओरिजिनल शेप है वो चेंज नहीं होती आईसीएल में। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आईसीएल करने का। डॉक्टर मानप्रीत, आईसीएल के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? दोस्तों, हमें आईसीएल वाले पेशेंट जिनको रिकमेंड करते हैं वो पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि सर इनका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। आईसीएल को जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही कम है, बट जो पोटेंशियल साइड इफेक्ट है वो है काले मोतिये का होना, यानी कि आँख का प्रेशर बढ़ सकता है आईसीएल की वजह से। दूसरी बात है आँखों में कैटरेक्ट का डेवलप होना या आईसीएल की वजह से कुछ आँखों में सोजिश आ सकती है। जो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं दोस्तों वो मेडिसिन से कंट्रोल किए जा सकते हैं या कुछ पेशेंट्स जिनमें ये नहीं कंट्रोल हो सकते उसमें आईसीएल निकाला भी जा सकता है। सो आईसीएल की ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आईसीएल रिवर्सिबल है। डॉक्टर मानप्रीत, आईसीएल का रिस्क फैक्टर क्या है? आईसीएल का रिस्क फैक्टर बहुत कम है, बट फिर भी क्योंकि ये इंट्राओकुलर सर्जरी है तो वो पेशेंट्स जो लेसिक के लिए फिट हैं वो बेसिकली हम लोग लेसिक लेज़र के लिए उनको काउंसिल करते हैं, और जिन पेशेंट्स में लेसिक लेज़र नहीं की जा सकती उनको हम आईसीएल एज अ सेकेंड चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं चश्मा उतारने के लिए। डॉक्टर मानप्रीत, आईसीएल सर्जरी में कितना समय लगता है? हमें अक्सर पेशेंट पूछता है कि आईसीएल सर्जरी में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, जो आईसीएल की सर्जरी है और दैट लास्ट फॉर हार्डली 10 मिनट्स, ये बिल्कुल पेनलेस है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता, सिर्फ ड्रॉप से आँख सुन की जाती है और एक छोटे से छेद से लेंस अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और ये सर्जरी मुश्किल से 10 मिनट लेती है और बिल्कुल पेनलेस होती है। ये जो 10 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ ये एक आँख के लिए मैं टाइम बोल रहा हूँ, तो दोस्तों दोनों आँखों को ऑपरेट करने में आईसीएल सर्जरी में हार्डली 20 से 25 मिनट्स लगते हैं। डॉक्टर मानप्रीत, आईसीएल सर्जरी का रिकवरी टाइम क्या है? आईसीएल पेशेंट्स की जो विजुअल रिकवरी होती है वो ऑलमोस्ट इमीडिएट होती है, मींस नेक्स्ट डे तक पेशेंट को बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाता है, और जो इसका रिकवरी टाइम है वो हार्डली 10 से 15 दिन है,
जिसके बाद कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है पेशेंट को और पेशेंट हर तरह का अपना काम कर सकता है। डॉक्टर मनप्रीत, आईसीएल सर्जरी कितनी उम्र तक काम करता है? आईसीएल का जो रिजल्ट है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है और बहुत सालों तक लास्ट करता है, अनलेस एंड अंटिल पेशेंट में कुछ ऐसी बीमारी हो जैसे कि कैटरेक्ट हो या उसका नंबर फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा हो, ग्लॉकोमा हो जाए उसको, उस वजह से अगर आँख का नंबर चेंज हो जाए तो आईसीएल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये रिवर्सिबल है और इसको किसी भी स्टेज पे आँख से रिमूव किया जा सकता है। डॉक्टर मनप्रीत, क्या आईसीएल सर्जरी से नज़दीक का नंबर उतारा जा सकता है? हमें अक्सर पूछा जाता है कि क्या आईसीएल सर्जरी से नज़दीक का नंबर भी उतारा जा सकता है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आजकल न्यूअर जनरेशन आईसीएल्स आ रहे हैं जो दूर और नज़दीक दोनों के लिए यूज़ होते हैं, जिनको हम मल्टीफोकल या प्रेस्बायोपिक आईपीसीएल भी बोलते हैं। डॉक्टर मनप्रीत, क्या आईसीएल सर्जरी दर्दनाक है? आईसीएल सर्जरी जो है वो सिर्फ ड्रॉप्स डाल के कर दी जाती है, इसके लिए हमें कोई इंजेक्शन नहीं देना पड़ता, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से कह सकता हूँ कि आईसीएल सर्जरी इज अ टोटली पेनलेस सर्जरी। डॉक्टर मनप्रीत, आईसीएल सर्जरी करवाने पर कितना खर्चा आता है? आईसीएल की जो इंडिया में कॉस्ट है वो बेसिकली इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका नंबर कितना बड़ा है और उस पे सिलेंड्रिकल पावर आपको लग रही है या नहीं लग रही है, तो ये नॉर्मली वेरी करती है 80,000 से लेके 1,80,000 तक। ये जो कॉस्ट है ये दोनों आंखों के लिए है, बट ये वेरी करेगी आपके नंबर के हिसाब से कि वो स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है। दोस्तों ये जो मैं आईसीएल की कॉस्ट आपको बता रहा हूँ ये भी डिपेंड करता है कि ये किस शहर में हो रही है, किस हॉस्पिटल में हो रही है, कितनी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रही है और जो आई सर्जन है वो कितना एक्सपीरियंस है इस सर्जन में, तो इन फैक्टर्स को पे डिपेंड करते हुए आईसीएल की जो कॉस्ट है वो वेरी करती है इंडिया के अलग अलग शहरों में।